सरसों तेल को लेकर जो वृद्धि हुई है, वृद्धि को लेकर लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सरसों तेल के दाम में जो इस तरह से उछाल हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है। लोग बेहद परेशान हैं और हम इस वक्त हैं धनबाद के कृषि बाज़ार में, जहां से तेल की सप्लाई धनबाद में तो होती है, इसके साथ ही जो सीमावर्ती ज़िले हैं गिरिडीह और जामताड़ा में भी यहां से सरसों तेल की सप्लाई होती है। और हमारे साथ है जो स्टॉकिस्ट है कृषि बाज़ार के, विनोद कुमार गुप्ता, और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरसों तेल के दाम में ये वृद्धि हुई है। गुप्ता जी बताइए कि जो सरसों तेल के दाम में ये वृद्धि हुई, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, सरसों तेल में वृद्धि, एक तो ऊपर की मंडियों से जो माल आ रहा है, तो सरसों तेल का जो उत्पादन है वो सरसों से होता है। सरसों साल में एक ही बार उत्पादन होता है, इसका उत्पादन होने का समय मार्च अप्रैल मई के आसपास होता है। तो पिछला साल जो सरसों का उत्पादन था, उत्पादन से उसके खपत मोटा मोटी मार्च तक उसका पूरा खपत होता था, लेकिन पिछला साल जो लॉकडाउन लगा और कोरोना काल चला, उसमें लोगों में यह पाया गया, लोग के मन में यह भावना आई और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया कि सरसों तेल से इम्यूनिटी का बूस्टअप होता है, जिसके चलते पिछला साल सरसों तेल के खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई। जो सरसों मार्च तक चलना चाहिए था, उसका खपत दिसंबर तक ही ख़त्म हो गया और नया फसल आने में मार्च का समय लग रहा था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीन महीने का जो गैप रहा, इस गैप में सरसों मिल वाले को चलाने में काफ़ी परेशानी हुई, जिसके चलते जब नया फसल आया तो MSP 45 रुपया होने के बावजूद लोग खरीदारी ही शुरू किए 49 से, और आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते मिल वाले इसको बढ़ाकर 1700-1800 तक लेकर चले गए। चूँकि उहापोह थी, आपाधापी की स्थिति हो गई, माल बाज़ार में कम था किसान के पास, लोग हालांकि उत्पादन पिछले साल से अधिक हुआ मगर खरीदने की भूख उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते इसमें डिमांड और सप्लाई के फ्रैक्शन के चलते दाम बढ़ते चला गया। अब चूँकि सारा का सारा उत्पादन हो चुका है, जितना ही माल मंडी में आना था आ गया है, अब धीरे धीरे इसके दाम में कमी आने की सुगबुगाहट चालू हो गई है और आने वाले दिनों में अब इसमें कमी आएगी। तो क्या लगता है कि कितने दिनों तक में जो है कि जो पूर्व में सरसों तेल के दाम थे वहाँ तक क्या पहुँचेगी और क्या कितने दिन लगेंगे जहाँ तक? देखिए, सरसों का जो अनुमानित उत्पादन पूरे देश में है और जो खपत है, उसमें पिछले साल कोरोना आने के बाद अत्यधिक वृद्धि हो गई। तो चूँकि उत्पादन और खपत में, उत्पादन तो लगभग वही है या कुछ परसेंटेज बढ़ा है, मगर खपत मोटा मोटी दुगना हो गया। लोगों में सरसों तेल के प्रति, खाने के प्रति उत्सुकता बढ़ी है, जिसके चलते अब चूँकि खपत अधिक हो गया, उत्पादन वही है, तो वो पूर्व की भांति जो तेल का दाम है वो तो आना मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अब कुछ ना कुछ इसमें कमी आएगी, लेकिन पूर्व की भाव तो आना असंभव लग रहा है। मतलब तेल के दामों में कमी आना जो है तो वो कितना समय और लग जाएगा? अभी कुछ शुरुआत हुई है क्या कमी आने? देखिए, सरसों का उत्पादन पूरा पूरी जितना आना था बाज़ार में आ गया, मिलर के पास पर्याप्त मात्रा में सरसों का स्टॉक हो गया मिल चलाने के लिए। अब क्या है कि धीरे धीरे, चूँकि मामला उस समय काफ़ी क्राइसिस वाला था, अब धीरे धीरे मामला स्थिर हो रहा है, तो आने वाले दिनों में कुछ भाव 10-20 रुपये किलो घट सकता है, लेकिन अब फिर से 100 रुपये किलो के अंदर चल जाए यह असंभव प्रतीत होता है। तो पिछले साल कोरोना की लहर में जिस तरह से सरसों तेल की डिमांड इम्यूनिटी को लेकर बढ़ी, खपत कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ी, लेकिन उत्पादन क्षमता ज्यों के त्यों बनी रही। आपाधापी में मिल वालों के द्वारा जो है ये तेल के दाम में इस तरह से जो है कि कंपटीशन, यूं कहें कि तेल के दामों में वृद्धि हुई कंपटीशन को लेकर के, हालांकि तेल के दामों में कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन पूर्व की भांति जो तेल के दाम थे वहां तक पहुंचना मुश्किल है। कहने का मतलब साफ है कि तेल के दामों में कमी आएगी, लेकिन लोगों को जिस तरह से कम जो दाम में खरीद रहे थे, जो रेट में खरीद रहे थे, वो रेट अब नहीं मिल पाएगा। नरेंद्र कुमार, ETV भारत, धनबाद।